आ जा आ जा। बहुत सुंदर है, जो लाइटिंग कर रखी है इन्होंने वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी। देख रहे हैं मेरे पीछे एकदम से आइलैंड आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए आप, ये इसका ऊपर का व्यूज है, जो हमारी क्रूज है और क्रूज का ये ऊपर का व्यू है। जा रहे हैं अपने बोट की तरफ जहाँ क्रूज खड़ा है, क्रूज पे जाएंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ जहाँ से हमारा क्रूज स्टार्ट होने वाला है, क्रूज का। वहाँ से आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हेलोंग इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट। ये हमारा टूर गाइड है शायद, बस ये खड़ी लेम्बू जी है, आप देख रहे हैं। आई थिंक इट्स नाइस। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हमारा हनोई में चौथा दिन है और शायद आखिरी भी, क्योंकि कल सुबह की हमारी फ़्लाइट है यहाँ से होचीमन के लिए, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करके हमें जाना है क्रूज टूर पर, ठीक है? पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है क्रूज टूर का, तो गाड़ी नीचे लेने आने वाली है, तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं क्रूज टूर पे। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो जो क्रूज है वो हमें अलग अलग आइलैंड पे लेके जाएगी, और अलग अलग आइलैंड पे लेके जाएगी, तो आपको पता ही है कि भाई कैसा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे सब वहाँ पर हैं, देखते हैं खाना इस प्रकार है। ये पोया वगैरह और कुछ ब्रेड्स, और ये नॉनवेज खानों के लिए नूडल्स वगैरह एंड चिकन, ये ब्रेड्स एंड फ्री, ये सारे फ्रूट्स हैं। ये देखिए आप टमाटर भाई, बड़े बड़े छोटे, आप देखिए टमाटर देखिए कितने छोटे हैं। और ये मैं पिलाने वाली है। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन खाने की जो डिशेज हैं वो बहुत कम है, इसलिए चलो जो भी है कभी करके निकलते हैं क्रूज टूर पे। निकलना फटाफट नाश्ता करके, हम लोग क्या लेट हो रहे हैं थोड़ा। फाइनली गाइस टूर गाइड हमारा आ चुका है, और ये हमारा ग्रुप है, और शायद वो हमारी बस खड़ी है। ये मुझे ये टूर गाइड है, और इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं अभी। ये हमारा टूर गाइड है शायद, बस ये खड़ी लेम्बू जी, आप देख रहे हैं। आई थिंक इट्स नाइस, लेकिन लग नहीं रहा ये है, ये भी हमारी बस नहीं है भाई, किधर लेके जाएगा ये। और यही है क्योंकि इसमें उल्टे है भाई सारा सब कुछ सिस्टम, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। बस में बैठ चुके हैं हम। गुड मॉर्निंग, क्या है भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो धीरे धीरे पीछे चलो भाई, पीछे। हाँ हाँ, बस के अंदर तो हम लोग बैठ चुके हैं, और ये अब सारे जितने भी हैं क्रूज पे जाने वाले, जिन्होंने बुकिंग दी हुई है टूर की, वो सबको क्या पिकअप करता हुआ चलेगा गलियों में, जिस जिस होटल में, जैसे अभी हमें ये पिकअप कर रहा है, और कोई पिकअप करता रहा है जहाँ जहाँ जा रहा है, ये वैसे वैसे पिकअप कर रहा है। ये देखिए आपने कहा, इसने गेट को ओपन कर दिया, अभी क्लोज किया, जैसे जैसे सवारियाँ आ रही हैं वैसे वैसे ये सबको पिकअप कर रहा है टूर पर। हमारी बस यहाँ रुकी है कुछ देर के लिए कि आप लोग नाश्ता पानी वगैरह कर लो। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे सारा रेस्टोरेंट वगैरह है। मुश्किल से 20 किलोमीटर चली होगी, उससे पहले इन्होंने बस को रोक दिया कि भाई आप यहाँ कर लो। मुझे लग रहा है हम लोग क्रूज टूर पे जा रहे हैं कि बस टूर पे निकले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो इनकी लोकल डिशे वगैरह हैं और इन पर नाम लिखा हुआ है, मोस्टली यहाँ चिकन, नॉनवेज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा भाई। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, हेलो, ये देखिए, एक रेडबुल पीने के बाद में अब वापस चले बस की तरफ, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, रीजनेबल प्राइस है। ये देखिए हम लोग यहाँ रुके थे क्रूज टूर पे जाने से पहले, बस यहाँ 20 मिनट का स्टॉप करती है, 20 मिनट का स्टॉप होने के बाद में यहाँ से निकल वापस निकलेगी। अभी पता नहीं ये बस टूर करा रहा कि क्रूज टूर करा रहा भाई, यहीं से रुके हुए हैं तब से, क्रूज टूर पे लेके कब जाएगा पता नहीं। चलो चलते हैं बस की ओर, अभी टाइम हो चुका है, देखते हैं आगे कहाँ लेके जाता है। तो
भाई यहाँ पे 45 मिनट के लिए बस रुकी है, पिछले दो घंटे से बस के अंदर ही थे। अभी देखते हैं क्या रहता है यहाँ का। ये अब लोग हालांकि एक साइड आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे ये सब कुछ बेचने पे लग रहे थे भाई। मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है इनकी। आ चुके हैं, ये एक अंदर शोरूम बनाया गया है जिसमें ये लोग डायमंड्स ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। अगर आप यहाँ से परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हर एक जो वाइट गोल्ड आता है वो भी इनमें रखा हुआ है, डायमंड भी इनमें रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ से चाहिए तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये काफ़ी पता एक्सपोर्ट करते हैं तो ये लोग, तो ये काफ़ी आपको इंडिया से काफ़ी सस्ता यहाँ पर मिल जाएगा। काली बस है वो 45 मिनट के लिए रुकी थी, जो कि भाई यहाँ पे ये लोग ज्वेलरी बेच रहे हैं अपनी। ये भी नहीं पता भाई इनका, क्योंकि ये चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, कि ये ओरिजिनल है कि भाई कॉपी है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये कॉपियाँ हैं, क्योंकि इन पे जो प्राइसेस लिखे हुए वो इसी हिसाब से हैं। और भाई देखें तो अपना सोच समझ के कुछ खरीदना तो सोच समझ के खरीदें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको यहाँ पर। और प्राइस इतने हाई हैं आप सोच भी नहीं सकते, और क्योंकि ये की नहीं किया जा सकता ना। और चारों तरफ आप देख सकते हैं इनके जो आर्ट्स के हैं वो सारे रखे हुए हैं। आपको कहते हैं मोस्टली यहाँ पे ड्रैगन के आपको जो बने हुए हैं जो सीनरी वगैरह है इनका वो काफ़ी मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ जहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है कूच का। आप वहाँ से आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हेलोंग इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट। तो अभी पोर्ट पे हम आ चुके हैं और पोर्ट पे अब हम जाएंगे अपने क्रूज टूर की तरफ। और हमारा टूर गाइड है वो थोड़ा सा आगे खड़ा है भाई, तो उसको बेचारा वो वेट कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उसे निकले। ये देखिए झंडी लेके खड़ा भाई, चले। ये देखिए बेचारा यहाँ खड़ा वेट कर रहा है सबका कि बस से सारी सवारी आ जाए तो फिर निकले। इनको ये भाई कंबोडिया से है और अभी ये ग्रुप लीडर हमारा यही बना हुआ है अभी ग्रुप लीडर ये बना हुआ है, टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। ये हमारे साथ ही है टूर में, टूर गाइड हमारा, वो टिकट लेने गया इज फ्रॉम मूसा फ्रॉम कंबोडिया। जब भी आए कंबोडिया मूसा से कॉन्टेक्ट करें भाई जी। जो पोर्ट बना हुआ है क्रूज़ के लिए जहाँ पे टिकटें मिलती है उसी के जस्ट पीछे आप देखोगे तो पूरा मतलब एक रेस्टोरेंट का कैफ़े बना हुआ, पूरा कैफ़े बने हुए हैं हर साइड। आप जो भी चाहे अपने मील्स है वो एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर, ये देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा हर साइड में ये लोग कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आप अपने मेल्स इंजॉय कर सकते हैं। और शॉपिंग मॉल के लिए भी यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं जो आप जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन खासकर अपनी बीवी को साथ लेके आए तो ध्यान रखना आपकी जेब है वो ढीली होने वाली है भाई। टिकट आई है जो लगभग हमें इंडियन 1000 की आई है, तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना कमीशन हो सकता है। और ये देखिए टूर गाइड चल पड़ा है और पीछे का आप क्राउड देख सकते हैं, ये देखिए पूरी बारात आ रही है, बस खाली घोड़ी की कमी है, बाकी बाराती पूरे हैं। हमारा चेकिंग हो चुका है, ये देख सकते हैं आपको ने इसने पंच कर दिया है टिकट को। और अभी रूट पे चल के जाना है काफ़ी दूर तक, आप देख रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि रूट काफ़ी लंबा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने वोट की तरफ जहाँ क्रूज खड़ा है, क्रूज पे जाएंगे। और आई थिंक कम से कम 300-400 मीटर का रूट बना हुआ तो उस पर चल के जाएंगे, जो ब्रिज बना हुआ है उससे, फिर वहाँ से सीधे अपने वोट की तरफ, क्रूज की तरफ, सॉरी क्रूज की तरफ जाएंगे। आज क्रूज के अंदर और क्रूज का व्यू आप सारा चेक करें, मेरे पीछे जो भी है खाने का सारा, इसके पीछे टेबल्स लगी हुई हैं। ये देखिए आपको क्रूज का मैं टूर करवा देता हूँ एक बार, अंदर का जो लंच के लिए लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये सारा एयर कंडीशन है, फाइव स्टार है बना हुआ है भाई। देख रहे हैं मेरे पीछे एकदम से आइलैंड आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए आप, ये इसका ऊपर का व्यूज है जो हमारी क्रूज है, और क्रूज का ये ऊपर का व्यू है। ये देखिए गाइस हम जो पहुंच चुके हैं आइलैंड पे, कितना खूबसूरत व्यू भाई। यहाँ आए तो कपल्स के साथ आए, सिंगल ना आए,
ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखिए बहुत खूबसूरत व्यू। फाइनली गाइस, हम लोग हलोंग से चले थे और फेस्ट केव पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं, ये एक नेचुरल प्रकृति की तरह बना के, इसे किसी चीज़ से डिजाइन नहीं किया गया। आप देख सकते हैं चारों ओर मेरे कितना अच्छा व्यू जा रहा है। और इस साइड एक कुछ मंदिर सा बना हुआ है जो कि यहाँ के बौद्ध धर्म का हो सकता है, अभी मुझे आइडिया नहीं वो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। चलते हैं हम आगे की ट्रेक की ओर और दिखाते हैं आपको। आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा व्यू जा रहा है। कुछ ऐसी है तो यहाँ पे लाइन कुछ ऐसी है, देख सकते हो आप, लाइन बढ़ रही है आगे, हम चढ़ रहे हैं ऊपर। तो ये आ गया केव का गेट, तो ये केव का रास्ता है। तो ये केव के अंदर जा रहे हैं हम, वो देख के जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वीनू भाई का भी व्लॉग है, वो आ नहीं पाए। अगर मैं आया हूँ तो मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा। केव देखो, तो भाई ये केव है। और भाई इसकी गहराई के बारे में तो मेरे को पता नहीं, अंदर पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी ब्लैक आएगी। और ये केव कुछ ऐसी है, देख सकते हो आप। तो भाई इस केव कुछ ऐसी है, अंदर से बहुत सुंदर है। जो नहीं आया है ना, वो चार लोग जो नहीं आए हैं वो बहुत पछताएंगे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है ये केव देखने में। और बहुत मज़ा आ रहा है भाई अंदर। और ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है उधर, बहुत सारे लोग थे इसलिए गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे, मगर अंदर तो बहुत ठंडा है। और वीनू भाई नहीं आए हैं तो वो मिस कर रहे होंगे, करेंगे इस चीज़ को, सॉरी कर रहे नहीं होंगे, वो मिस करेंगे इस चीज़ को। वहाँ तक गया और अंदर गया नहीं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है अंदर आके बाहर जाना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप आ सकते हो, मेरे को नीचे देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि नीचे वो पानी है, तो उस वजह से मैं फिसल भी सकता हूँ। हेलो ये, तो दोस्तों केव देखिए आपने कैसी है, बहुत सुंदर है। अब हम ऑलमोस्ट ऊपर आ गए हैं, अब मेरे को नीचे उतरना है आगे से। और केव देखो कितनी सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। जो लाइटिंग कर रखी है इन्होंने वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी। अच्छा यहाँ से फ़ोटो मिल रही है जो क्लिक कराई है लोगों ने, अंदर कैमरा लगा हुआ था। और पानी भी है इनके पास, पानी ले सकते हो आप। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अदर से एक दूसरा आइलैंड है जहां पे आप चप्पू चला सकते हो या बम्बो बैट बोट, वो आप डिसाइड खुद आपको करना होगा कि भाई आपको कौन सा चलाना है। आप बम्बो बोट चलाना चाहेंगे या चप्पू से, वो आप भी डिसाइड करता है। और ये अंदर पहाड़ों के नीचे से भी लेके जाएगी जो बहुत ही शानदार होने वाला क्रूज है। अभी हम चलते हैं उसकी साइड। फाइनली गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बम्बो बोट की तरफ और देख रहे हो ये हम भाई सारी लड़कियों का हाथ पकड़ रहा है, हमारा हाथ इसने नहीं पकड़ा कि तुम खुद उतर जाओ अपने आप से। ये देखिए भाई गाइस, ये क्या है कि एक्चुअली ये बता देगा कि भाई जो चप्पू चलाना है वो गेट नंबर इतने पे जाए और जिसको बम्बो चलाना है वो गेट नंबर इतने पे जाए। और अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 3 पे, क्योंकि बम्बो बोट है वो गेट नंबर 3 पे मिलेगी हमें दिखाने के लिए। और अभी चल रहे हैं हम लोग गेट नंबर 3 की साइड।
फाइनली गाइस हम लोग बम्बू बोट में बैठ चुके हैं और अब ये एडवेंचर के लिए तैयार है ये, और अब ये चलने वाली है। चले सारे गाइस, ये देखिए अभी इस गुफा के अंदर घुसने वाले हैं। आजा आजा अंदर से गुजर के बाहर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, जब आए तो आप कपल के साथ यहाँ घूमने ज़रूर आए। ये देखिए गया 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 बेटे, बच गया। कहाँ से है? इंडिया। इंडिया में कहाँ से हो? बेंगलोर से। फ्लाइट से जाएगा, इसी से जाएगा आज? हाँ राजस्थान भाई, झुंझुनू प्रॉपर भी। फाइनली गाइज हमारा दूसरा जो पॉइंट है हांगलवन, जो केव्स के अंदर से लेके जाता है, वो ट्रिप अब यहीं ख़त्म होता है। हम वापस जा रहे हैं क्रूज की तरफ, और अभी क्रूज पे जाएंगे। अभी हमारा तीसरा पॉइंट और बाकी रहा, जो कि एक आइलैंड है, हम अब वहाँ निकलेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था वो कपल्स के लिए था भाई। देख सीधी सी बात है, ये छोटा सी जर्नी थी, अंदर गए और वापस आ गए। बस पॉइंट है जहाँ पे हमारा अभी क्रूज जा रहा है, उस जगह का नाम है टिपटॉप आइलैंड। और अब यहाँ से टिपटॉप आइलैंड जाएंगे, जहाँ पे मोस्टली कपल्स जाते हैं, और स्विमिंग के लिए बहुत फेमस है। ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ स्विमिंग करते हैं, और स्विमिंग के लिए ये चीज़ जगह फेमस है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टिपटॉप आइलैंड की तरफ, तो आप बने रहे, आपको मैं दिखाता हूँ सारे टिपटॉप आइलैंड के जो भी व्यूज वगैरह है, और कैसा क्या रहता है हमारा ये ट्रिप। गाइज हम लोग टिपटॉप आइलैंड पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं कुछ पहले से ही पर्यटक यहाँ हुए भाई। एकदम इतना रश है, इतना क्राउड आप देख सकते हैं, और प्रकृति का ये शानदार नज़ारा पहाड़ियों का। ये देखिए इस आइलैंड पे कितना खूबसूरत नज़ारा है। हमारी वोट का वेट करिए, क्योंकि दो वोटों के बीच में फंस चुकी है, और आप सामने देख रहे हैं कि भाई ये देखिए आप क्राउड किस तरह से, आप क्राउड देखिए। फाइनली अभी एंट्री मिल चुकी है कि आप लोग पोर्ट पे एंजॉय कर सकते हैं, और ये देखिए सारा क्राउड अभी आ रहा है, सारा क्राउड आ रहा है अभी इस साइड। ये देखिए ली इधर गया ना, इधर गया वो टिकटे लेने। भाई इधर आओ सारे के सारे चल के। हम लोग आ चुके हैं टिकटॉक आइलैंड पे, आप देख रहे हैं सारे गोरे गोरिया फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं अपना, और शायद काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आए तो यहाँ पे जरूर आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ वहाँ उस साइड में स्विमिंग कर रही हैं, और स्विमिंग कर भी रहे हैं भाई। हम चलते हैं उसी साइड में, अब देखते हैं चल के उधर कैसा क्या माहौल रहता है। क्या आपको मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल मिलेगी यहाँ पे? मेडिकल फैसिलिटी भी है भाई, अगर आप यहाँ आना चाहें तो मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। आप यहाँ से जो कुछ भी खाने के लिए कुछ खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। क्योंकि हर आइलैंड पे कुछ ना कुछ शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये अपने लोकल्स कुछ जो ड्रेसेज हैं या शॉर्ट्स जो नहीं लेके आए हैं आइलैंड पे, वो शॉर्ट्स ले सकते हैं यहाँ से। बच्चों के लिए ट्यूब्स, जिससे कि बच्चे डूबे ना, लाइफ जैकेट, आपको सब कुछ मिलेगा। स्विमिंग की, आपने फुटबॉल खेला, और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको, सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और भाई ध्यान रखिए थोड़ा सा साफ़ सफाई का यहाँ पे, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाते हो यहाँ देखिए आप साफ़ सफाई बहुत अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। ये देखिए साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। ये अपने आइलैंड को बिल्कुल भी गंदा नहीं करने देते, और अच्छे टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है। आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारा टूर पैकेज है, ये वो एक ही बोट क्रूज में इंक्लूड होता है, एक ही टिकट में इंक्लूड होता है। और जितना जल्दी हो सके आप वियतनाम आए, सच में बहुत अच्छी जगह। आप देख सकते हैं व्यूज यहाँ पे, कितना अच्छा व्यूज है। और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने क्रूज की तरफ,
जा रहे हैं अपने क्रूज की तरफ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है हमारा वापस लौटने का। और अभी शायद पार्टी चलेगी ऊपर, उसके ऊपर सनराइज वगैरह के लिए। गाइस हम क्रूज पे आ चुके हैं, क्योंकि अभी ये हमारा जो क्रूज है वो वापस जाने वाला। आप देख सकते हैं कैसे लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। क्योंकि अभी यहाँ पे ये पार्टी चल रही है, पार्टी स्टार्ट होने वाली है। क्या भाई साहब, हेलो, इंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो गई है, फुल पार्टी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए सारे इस बोट पे पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। हमारा पोर्ट है वो अब आने वाला है, तो अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि आप लोग नीचे चलो, और जैसे पोर्ट आता है तो वहाँ से हम अपनी वापस लैम्बोजी बस में बैठ के हम लोग जाएंगे अपने होटल की तरफ, जहाँ से हम बस ने हमें पिक किया था। आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा पोर्ट है वो आ चुका है, तो अब जाने का वक्त आ गया है। हमारी ट्रिप पर काफ़ी अच्छी रही, इंजॉयमेंट किया हम लोगों ने काफ़ी। और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप हनोई आएँ तो जो भी है अपना टूर क्रूज वो अच्छे ट्रेवलर से बुक करवाएँ। क्रूज है वो पोर्ट पे आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये क्रूज पे और बारिश भी, इसी के साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अब धीरे धीरे करके ये पोर्ट पे जा रही है। अभी इस पोर्ट से उतर के हम जाएंगे हमारे बस की ओर। आई होप आपको खूब मज़ा आया होगा। चलते हैं हम अभी बस की ओर। और अभी यहाँ से क्या बस की जर्नी है वो लगभग 2 से 3 घंटे की जर्नी है। ऐसी टूर ख़त्म हुआ, सारा क्राउड है वो वापस बस की तरफ जाने लग गया है। आप देख सकते हैं सबको अब जल्दी है, सब लोग थक चुके हैं भाई अपनी अपनी सीट रोकने के लिए, क्योंकि काफ़ी थका देने वाला है पूरे दिन का ये सफ़र। लेकिन काफ़ी इन्जॉयमेंट है, आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा थक जाते हैं भाई, लेकिन इन्जॉयमेंट काफ़ी है यहाँ पर। अगर आप देखोगे एडवेंचर मिलेगा आपको आके, एक अलग ही सुकून, आइलैंड्स। बस है जो वेट कर रही है काफ़ी देर से, यहाँ खड़ी है। और अब हम चलते हैं बस की तरफ। ये देखिए लैम्बोजी बस है, अभी निकलेंगे हम बस की तरफ, और सॉरी बस के अंदर निकलेंगे अभी और जाएंगे सीधे अपने होटल की ओर। काफ़ी थका देने वाला है, आपको मेरे चेहरे पर थकान दिख रही होगी भाई, बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। और अब जाके बस जल्दी से सीट मिल जाए और सीट पर बैठ जाएँ भाई। चलो फाइनली गाइस, बस ने हमें ड्रॉप कर दिया हमारे होटल के बाहर। आप देख सकते हैं ये हमारी बस है, और अब ये जाएगी अगले जो टूरिस्ट है उनको छोड़ने के लिए। और अब हम लोग जाएंगे सीधा हमारे होटल में, और वहां जाके अभी लैगेज पैक करना है, क्योंकि सुबह हमारी फ्लाइट है हो ची मिन्ह के लिए। सो फाइनली गाइस, हम होटल पहुँच चुके हैं और सुबह निकलना हमें हो ची मिन्ह के लिए। हम लोग निकलने वाले, सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट है हो ची मिन्ह के लिए। आज का टूर हमारा अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग। और अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ हो ची मिन्ह जाते हुए। तब तक के लिए सब आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड नाइट। काफ़ी थकान हो गई है, लव यू, गुड नाइट।